नमस्कार दोस्तों, ये है क्या ग्रास कार्प, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मछली के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके पालन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिका में इस मछली को पहली बार 1963 में ताइवान और मलेशिया से लाया गया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1966 में यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ में 3 साल तक इस मछली पर रिसर्च हुआ। अब ये यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है। ये एजेंसी मछली और जंगलों में रहने वाले जीवों के प्रबंधन के लिए काम करती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिका की एक सरकारी संस्था है। इसी संस्था में ग्रास कार्प मछली पर 3 सालों तक रिसर्च हुआ। उसके बाद 1970 के दशक तक इस मछली को अमेरिका के ही 40 राज्यों में पालन करने के लिए पेश किया गया। 1970 से ही ग्रास कार्प को दुनिया भर के कई देशों में पालन करने के लिए लाया गया, जिसमें जापान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लगभग अधिकांश देशों में इसका पालन होने लगा। जलीय पौधों की वृद्धि के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से ग्रास कार्प का पालन होता है। ग्रास कार्प का मुख्य भोजन जलीय पौधे और हरी घास है। ग्रास कार्प मछली फिंगरलिंग तक प्राकृतिक भोजन खाती है, लेकिन जो ये 50 ग्राम की होती है तो बेहतर ग्रोथ के लिए इसको हरा चारा चाहिए। अगर आप 100 ग्राम का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं और इसको पर्याप्त मात्रा में हरी घास खिलाते हैं तो 5 महीने में ये मछली 1 किलो पार कर जाती है। ग्रास कार्प तालाब के बीच वाले लेयर में रहती है। ये हरी घास खाने के लिए तालाब के ऊपरी लेयर और निचले लेयर में आती जाती रहती है। आपके पास पर्याप्त हरी घास है और आप केवल ग्रास का पालन करना चाहते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए विस्तार से समझते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केवल ग्रास का बच्चा अधिकतम 1 एकड़ में कितना डाल सकते हैं। आप जब केवल ग्रास का पालन करेंगे तो तालाब में 3 लेयर होते हैं और इन 3 लेयरों में प्राकृतिक भोजन बनता है। बीच वाले में तो ग्रास कार्प रहेगी, ये प्राकृतिक भोजन भी खाएगी और जो आप हरी घास देंगे उसको भी ये खाएगी। बाकी बचा ऊपरी लेयर और निचला लेयर, इन दोनों लेयरों में जो प्राकृतिक भोजन बनेगा वो पूरा का पूरा बर्बाद होगा। ग्रास कार्प इसको नहीं खाएगी। ये भोजन सड़ गल के तालाब की तलहटी में जाकर इकट्ठा होगा। चूंकि हरी घास को ग्रास कार्प बहुत अधिक मात्रा में खाती है तो ये जब पोटी करेगी तो इसका बेस्ट पदार्थ भी तालाब की तलहटी में जाकर इकट्ठा होगा। दोनों तरफ से आपका तालाब गंदा होगा। आपकी मछली को 300 ग्राम तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मछली 400 ग्राम तक पहुंचेगी तो तालाब में हार्मफुल गैस तेजी से बनने लगेगा, आपकी मछली का ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आप ऊपरी वाली लेयर और निचले वाले लेयर में कुछ मछली डाल देते हैं तो उसको अलग से आपको कोई भोजन नहीं देना पड़ेगा। ग्रास कार्प के साथ वो भी तैयार हो जाएगी और आपके तालाब का इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि ग्रास कार्प का बच्चा अपने तालाब में डालें तो कितना डालें और इसके साथ ऊपरी लेयर और बीच वाले लेयर में कौन कौन मछली डालें। दोस्तों, आप ऊपरी लेयर में कतला मछली को डालें। कतला मछली तालाब में हल्की फुल्की कोई दिक्कत आती है तो जल्दी मरती नहीं है। अगर आप सिल्वर को डालते हैं तो ये तालाब में हल्की फुल्की दिक्कत होगी तो ये मछली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोनों मछलियां तालाब के ऊपरी वाली लेयर में रहती हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप कतला को ही डालें। कतला मछली का रेट भी काफी अच्छा है, सिल्वर से अधिक रेट देकर ये जाती है। अब बचा निचला लेयर। दोस्तों, आप निचले वाले लेयर में मीगल मछली का पालन करें। ग्रास कार्प जब घास खाकर पानी में पुट्टी करती है तो उसको नैनी मछली बड़े प्यार से खाती है और इसका ग्रोथ बहुत तेज होता है। ग्रास कार्प भोजन को पूरा पचा नहीं पाता है, आधा पचा हुआ घास को पानी में पोटी करता है। यही नैनी मछली के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। आधा पचा हुआ भोजन वो नैनी मछली खा जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नैनी मछली का ग्रोथ धीमा होता है, उनका भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जब आपके तालाब में ग्रास की संख्या अधिक रहेगा तो नैनी मछली का ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ेगा। जब आप अपने तालाब से मछली बेचेंगे तो जितने साइज का आपका ग्रास होगा उतने ही साइज का नैनी मछली होगी। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में ग्रास कार्प को अधिक संख्या में डालना चाहते हैं तो आप 2500 पीस ग्रास कार्प कर दें और 500 पीस कतला कर दें। कतला को कुछ लोग भाकुर मछली के नाम से भी जानते हैं और 500 पीस मिर्गल मछली कर दें। मिर्गल को कुछ लोग नैनी मछली के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इनकी साइज की बात करें तो 10 लाइन का बच्चा अपने तालाब में डालें। अगर आप ग्रास को हरी घास खिलाते हैं तो सारी मछलियां एक साथ 5 से 6 महीने में बड़े आराम से 1 किलो की हो जाएगी। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पे जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।